कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेस इसमें, दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डायवर्जन टैक्टिक है। डायवर्जन किस चीज से हो रहा है? डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेस इसमें, दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डायवर्जन टैक्टिक है। ओबीसी निर्णय ले रहे हैं और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है। और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को,
जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है बीजेपी को, ये जो दो पॉइंट्स हैं महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए उनको, एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी के, क्योंकि आप विपक्ष में, जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। राहुल जी, एक मिनट,